बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन और फिजिक्स का इंट्रोडक्शन और ब्रांचेस किया की थी। आज हम फिजिकल क्वांटिटीज से शुरू करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज are called physical quantities. Definition: all measurable quantities are called physical quantities. अब measurable का क्या मतलब? जो quantities हम measure कर सकते हैं वो physical quantities होती है। तो इसका मतलब है कुछ quantities ऐसी भी हैं जो measurable नहीं हैं। We will not consider them as physical quantities. अब सबसे जो पहली बात है, सबसे पहले प्रॉब्लम आती है बच्चों के जहन में कि कोई इसका मतलब ऐसी चीजें भी हैं जो हम मेजर नहीं कर सकते। यस, फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस, लेंथ वी कैन मेजर, वी हैव कंप्लीट। अगर मैं कहता हूं किसी चीज की लेंथ 5 मीटर है तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई भी इसको चेक करके बता सकता है बात ठीक है ठीक है। लेकिन अगर हम इंटेलिजेंस की बात करेंगे तो इंटेलिजेंस जो है वो एग्जैक्टली एक्यूरेटली मेजरेबल नहीं है। ऑल्दो वी मेजर इंटेलिजेंस एंड वी फाइंड इंटेलिजेंस क्वोशेंट ऑफ अ पर्सन, बट दैट इज नॉट द एग्जैक्ट मेजरमेंट। सो मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज में, एक न्यूमेरिकल वैल्यू कम से कम दो चीजें इसमें हमारे पास होनी चाहिए किसी भी क्वांटिटी को देखने के लिए, और दूसरा यूनिट ऑफ मेजर। तो फिजिकल क्वांटिटी उस वक्त तक क्लियर नहीं होगी जब तक आपके पास उसके बारे में ये दो चीजें नहीं होंगी। सो फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज एंड टू कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी देयर। वन इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, अदर इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इस एग्जांपल में 5 मीटर्स जो मैंने एग्जांपल दी, इसमें 5 उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, मीटर उसका यूनिट है। तो दो चीजें अगर होंगी आपके पास तो उनको जरूरी है, फिर वो फिजिकल क्वांटिटी हम समझ सकते हैं। टाइप्स इसकी फिजिकल क्वांटिटीज की, बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज बेसिक, बेस क्वांटिटीज। कोई भी सिस्टम जब हम फॉलो करते हैं मेजरमेंट का, तो उसमें कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो बेसिक रोल प्ले करती हैं। सिस्टम इंटरनेशनल जो कि अब पाकिस्तान में भी यूज हो रहा है एंड नियरली इट इज फॉलोड इन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, इसमें 7 बेस क्वांटिटीज, 7 बेस क्वांटिटीज। सो दीज 7 क्वांटिटीज आर बेस क्वांटिटीज एंड दे प्रोवाइड अ बेस फॉर द अदर क्वांटिटीज। इनको हम, इसमें मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। तो 7 क्वांटिटीज जो है वो इसके लिए, सिस्टम इंटरनेशनल के लिए एक बेस बनाती हैं। They are not defined in the terms of other quantities. These are, they provide a base for the other quantities. So they are called base quantities. Similarly, derived quantities are the quantities which are derived from base quantities. Derived quantities. The quantities which are derived from base quantities, they are called derived quantities. बेस क्वांटिटीज की एग्जांपल्स आपको मैंने बता दी, मास यूनिट इसका किलोग्राम है, इसी तरह से लेंथ है, टाइम है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इलेक्ट्रिक करंट है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, ये सारी की सारी बेस क्वांटिटीज है। बाकी जो इन 7 के अलावा जो क्वांटिटीज हम इनसे डिराइव करते हैं वो डिराइव क्वांटिटीज है। फॉर एग्जाम्पल सिस्टम इंटरनेशनल में डिराइव क्वांटिटीज
For example, speed. Speed is a derived quantity. And it is derived from length and time. दो बेस क्वांटिटीज हैं जिनसे ये मिलके डिराइव क्वांटिटी बनती है, एक लेंथ एक टाइम। मसलन जब हम स्पीड की बात करते हैं किसी चीज की, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड हम कहते हैं कि दिस कार इज मूविंग एट 70 किलोमीटर पर आवर। टू बेस क्वांटिटीज आर इन्वॉल्व, डिस्टेंस एंड टाइम। सो दिस इज डिराइव क्वांटिटी एंड इट इज डिराइव फ्रॉम बेस क्वांटिटी। It is derived from length and time. उसके बाद अगला टॉपिक थी हमारा सिस्टम इंटरनेशनल। SI stands for सिस्टम इंटरनेशनल। SI units सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स। सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स। बहुत से सिस्टम्स फॉलो होते रहे दुनिया में। अभी जो सिस्टम पाकिस्तान में फॉलो हो रहा है सिस्टम इंटरनेशनल, इस सिस्टम में 7 बेस क्वांटिटीज हैं, जैसा कि अभी हमने बात की। 7 बेस क्वांटिटीज पे ये बेस करता है। इसमें लेंथ का यूनिट मीटर है, टाइम का यूनिट सेकंड है। इसी तरह से 7 जो यूनिट्स हैं ये बेस यूनिट्स हैं। इससे पहले भी बहुत से यूनिट सिस्टम यूज होते रहे। ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम जिसमें लेंथ का यूनिट फुट, इसी तरह से फोर्स का यूनिट पाउंड। इसमें प्रॉब्लम क्या थी, इसी तरह से और बहुत सीडीएस सिस्टम इसके बाद यूज होता रहा। इसके बाद एमकेएस सिस्टम यूज होता रहा दुनिया में। एमकेएस सिस्टम जो है ये इससे मिलता जुलता है एसआई सिस्टम से। जरूरत क्या थी एसआई सिस्टम की, ये पुराने सारे सिस्टम छोड़ के एक हमें नया सिस्टम। एक तो यूनिफॉर्मिटी जरूरत थी कि पूरी दुनिया में एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो, ताकि जो टेक्नोलॉजी की, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन की जो ट्रांसफर है वो उसमें प्रॉब्लम ना हो। दूसरी बात ये इसकी मैनिपुलेशन, ये जो ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम वगैरह है, फॉर एग्जांपल 1 foot लेंथ का यूनिट है इज इक्वल टू 12 inches। अब इसको कन्वर्ट करना बड़ा मुश्किल है। 556 feet को अगर आप कन्वर्ट इंचेस में करना चाहते हैं तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 12। वेयर एज व्हेन वी कंपेयर इट विद एसआई, 1 kilometer इज इक्वल टू 1000 meters। मैं इसको कन्वर्ट करना, इसमें कन्वर्जेंस बड़ी, कैलकुलेशंस बड़ी आसान होगी सिस्टम इंटरनेशनल जाने से। तो अगर 556 kilometers है उसको मीटर्स में कन्वर्ट करना है तो सिंपली वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 1000। तो इसकी मैनिपुलेशन बड़ी आसान है। दूसरा एक यूनिफॉर्मिटी हो गई। तो इन सारी चीजों के पेशे नजर 1960 में पेरिस में मेयर्स ऑफ वेट्स के 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसमें ये डिसाइड किया गया कि पूरी दुनिया में एक ही सिस्टम हम राइज कर दें और उसका नाम सिस्टम इंटरनेशनल, इसीलिए उसका नाम सिस्टम इंटरनेशनल रखा गया। 7 क्वांटिटीज सर्व एज द बेस क्वांटिटीज एंड रेस्ट ऑफ द क्वांटिटीज आर डिराइव्ड फ्रॉम दीज बेस क्वांटिटीज। सो दिस इज सिस्टम इंटरनेशनल। इसमें अब ये यूनिट्स का सिस्टम है तो क्वांटिटीज दो तरह की है, बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो इस तरह से यूनिट्स भी दो तरह के हो गए, बेस यूनिट्स, बेस units and derived units, ये दो units। तो बड़ी simple definition है इसकी। The units of the base quantities are called base units and units of all other derived quantities
are derived from base unit. So seven base quantities हैं, इसलिए seven ही base units होंगे. Length, unit of length is meter, mass is kilogram, time unit is second, electric current ampere, intensity of light candela, it is derived from the word candle, temperature kelvin, and amount of substance mole. ये बात याद रखनी है कि टेम्परेचर का ऐसा यूनिट सेंटीग्रेड नहीं है बल्कि ये केल्विन है. ये बेस यूनिट्स हैं. इसके अलावा बाकी सारे के सारे यूनिट्स जो इससे डिराइव किए जाते हैं बेस यूनिट से डिराइव क्वांटिटीज के जो यूनिट्स हैं दे आर कॉल्ड डिराइव यूनिट्स. फॉर एग्जांपल स्पीड. डिराइव क्वांटिटीज मैंने आपको एग्जाम्पल दी स्पीड की. स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकेंड. It is derived from, unit of speed is derived from the unit of length, that is meter, and unit of time, that is second. So meter per second, if our body covers 1 meter distance in 1 second, its speed is said to be 1 meter per second. इस तरह से और भी बहुत से derived units हैं. For example, unit of volume is meter cube. This is derived from the unit of length only. Meter multiplied by meter multiplied by meter. So 1 meter cube is the volume of a cube whose all sides are 1 meter each. एक ऐसा cube जिसकी सारी sides 1 meter, 1 meter, 1 meter हो, उसकी जो volume capacity है, उसको 1 meter cube कहते हैं, and it is derived from the unit of length that is मीटर. तो टेबल आपकी बुक में पेज 6 पे डिराइव क्वांटिटीज का भी टेबल है और बेस क्वांटिटीज का भी टेबल है. यहां से आपने इनको देख लेना है. नेक्स्ट हम चलते हैं प्रीफिक्सेस की तरफ. अगला टॉपिक हमारा प्रीफिक्सेस. ये कैरेक्टरिस्टिक है सिस्टम इंटरनेशनल की प्रीफिक्सेस. एंड दिस फैसिलिटी इज ओनली अवेलेबल इन सिस्टम इंटरनेशनल. वो जो पुराने सारे सिस्टम थे ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम सीडीएस सिस्टम एमके सिस्टम उनमें ये प्रीफिक्सेस की सहूलत हमें मुयस्सर नहीं थी. प्रीफिक्सेस क्या है? प्रीफिक्सेस आर द लेटर्स आर द वर्ड्स यूज्ड बिफोर द एसआई यूनिट. फॉर एग्जांपल ग्राम इज द यूनिट ऑफ मास. तो किलोग्राम जब हम लिखते हैं ग्राम जी फॉर ग्राम यूनिट है. किलो इसका प्रीफिक्स है. प्रीफिक्स क्या करता है? किलो इस सिंबल इज के एंड इट्स वैल्यू इज 1000. तो 1000 ग्राम लिखने की बजाय हम किलोग्राम लिखते हैं तो किलो मीन्स 1000. इस तरह से बहुत से प्रीफिक्सेस हैं. वन से बड़े भी वन से छोटे भी. तो बहुत बड़ी क्वांटिटीज और बहुत छोटी क्वांटिटीज को हम यूज करने के लिए उनको रिप्रेजेंट करने के लिए प्रीफिक्सेस भी यूज कर सकते हैं. इसी तरह से मेगा किलो जैसे मैंने आपको बताया मेगा कैपिटल एम दिस इज 10^6 माइक्रो सिंबल इज म्यू माइक्रो 10^-6. So to represent very big quantities or very small quantities, we have a facility in System International that we can represent them by prefixes. For example, 20,000 gram अगर आपने लिखना है 20,000 grams, तो इसको आप 20 multiplied by 1000 gram लिख दें और इसकी जगह किलो लिख दें 20 किलोग्राम. सो दिस k इज रिप्रेजेंटिंग 1000 किलो. तो इस तरह से हम बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज और बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज को भी हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसमें कुछ केयर्स हमें करना होती है प्रीफिक्सेस लिखते वक्त. एक सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है
that double prefixes are not allowed. Double prefixes are not allowed. Masalan, acid, 5,000 grams hai. तो इसको आप अपनी मर्जी से ऐसे नहीं कर सकते कि ये 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 है, मल्टीप्लाई बाय 1000 है, तो इसको आप 5 किलो किलोग्राम लिखते हैं तो गलत होगा. क्या कर सकते हैं? वी कैन यूज ओनली वन प्रीफिक्स एट अ टाइम. 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 तो इट विल बी 10^6 एंड मेगा, 5 मेगाग्राम विल बी करेक्ट. ये गलत है, ये करेक्ट है. तो इन चीजों को मद्देनजर रखना है आपने जब प्रीफिक्स लिखते हैं कि हम डबल प्रीफिक्स नहीं लिख सकते. साइंटिफिक नोटेशन. नेक्स्ट लेट अस प्रोसीड टू साइंटिफिक नोटेशन. Scientific notation. Another tool. Scientific notation is another tool to write very large numbers or very small numbers. क्या format क्या होता है? Scientific notation में सबसे पहली बात definition. आपकी textbook page 6 पे है. इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10. अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड बाय सम पावर ऑफ 10. सो टू पोर्शंस शुड बी देयर. 1 सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय अ नंबर. दिस नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 10. 10 नहीं होना चाहिए, 1 से लेके 10 तक होना चाहिए, 10 से छोटा होना चाहिए. तो ये दो कंडीशंस हैं. 10 के पावर के साथ और नंबर जो 10 के पावर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो 1 और 10 के दरमियान होना चाहिए. मिसाल के तौर पे एक नंबर हम कंसीडर करते हैं 62750. 62750 इसको जरा मुख्तलिफ फॉर्म्स में लिखते हैं जहां पे हम इसको 10 की पावर से मल्टीप्लाई करते हैं. फॉर एग्जांपल इसको मैं 6275.0 इनटू 10^1 लिख सकता हूं. अगर दो प्लेसेस मूव कर लूं 10^2 लिख सकता हूं. ये हम किस तरह से लिख रहे हैं? 10^2 मींस 100. 10^2 means 10 multiply 10 and it means 100. जब 100 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट दिस सेम नंबर. अब सेम सिंपल सा इसके लिए प्रोसीजर क्या है, वर्किंग रूल क्या है, इतनी लंबी डिटेल में नहीं जाना. डेसिमल पॉइंट को हमने जितना मूव करना है, फॉर एग्जांपल इफ आई मूव 3 प्लेसेस 62.750 3 प्लेसेस आई हैव मूव्ड ऑन द लेफ्ट साइड. सो 10 की पावर 3 यहां पे हम लिख लेंगे. इसी तरह से 6.2750 into 10^4 लिख सकते हैं बिकॉज आई हैव मूव्ड द डेसिमल पॉइंट 4 प्लेसेस. अब ये देखिए मैथमेटिकली वैल्यू सब भी सेम है, सो मैथमेटिकली ऑल आर करेक्ट. अगर कोई हमसे पूछेगा ये इनमें से किसके इक्वल है, ये इनमें से सबके इक्वल है. लेकिन अगर कोई पूछे साइंटिफिक नोटेशन में कौन सा है, सो ओनली दिस लास्ट वन इज इन द साइंटिफिक नोटेशन. क्यों ऐसा है? ये सिर्फ साइंटिफिक नोटेशन में सिर्फ ये है. इसकी क्या वजह है? उस फॉर्मेट से कंपेयर करें. इसको अगर मैं कंपेयर करूं तो 10 पावर 10 की पावर मल्टीप्लाइड बाय नंबर, बट दिस नंबर इज नॉट बिटवीन 1 एंड 10. सेम इज द प्रॉब्लम हियर, सेम इज द प्रॉब्लम हियर इन दिस सिचुएशन. इस सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो ये नंबर जो है 6.2750 दिस नंबर इज बिटवीन 1 एंड 10. सो देन इट इज करेक्ट फॉर्म व्हेन वी वांट टू राइट इन साइंटिफिक नोटेशन बिकॉज
power of 10 is being multiplied by a number which is between 1 and 10. So this is correct way to write a scientific notation. तो किसी भी चीज को जब कोई बहुत बड़ा नंबर हो या बहुत छोटा नंबर हो उसको लिखने के लिए जो तरीका इस्तेमाल की कर सकते हैं हम वो साइंटिफिक नोटेशन। इसी तरह से अगर कोई ये जो मैंने एग्जांपल दी ये बड़े नंबर की दी, इसी तरह से अगर इस तरह से कोई नंबर है 0.00006 इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं तो अब पहले हम डेसिमल को लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे थे, अब हमने इसको राइट साइड पे मूव करना है। इसको जितने प्लेसेस मूव करेंगे, लेफ्ट साइड पे मूव करते थे तो 10 की पावर प्लस थी, राइट साइड पे मूव करेंगे तो 10 की पावर 1, 2, 3, 4, 5 माइनस 5 हो जाएगी। तो 6 इज अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10 एंड इट इज बी मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर बिटवीन बाय सम पावर ऑफ 10। So this is in the form of scientific notation. तो इस तरह से हम scientific notation में लिख सकते हैं चीजों को बहुत बड़े नंबर या बहुत छोटे नंबर को represent करने के लिए। Very good example is the mass of Earth. Mass of Earth is 6.0 into 10 to the power 24 kilograms. Total ज़मीन का mass कितने kilograms है? अब अगर हम scientific notation नहीं लिखेंगे तो यू हैव टू राइट 24 जीरोस आफ्टर 6 टू मेंशन इट। तो ये एक अच्छा खासा लेबोरियस काम है, इसको हम बेहतर ये करते हैं अच्छे तरीके में, अच्छे तरीके से हम इसको लिख लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो ये हम साइंटिफिक नोटेशन पे आ गए, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हम अगले लेक्चर में शुरू करेंगे।